बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ की वर्कशीट 19 करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है पादपों में पोषण। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। तो पादपों में पोषण मतलब भोजन का निर्माण करना और पादप कैसे भोजन लेते हैं उसके आधार पर दो शब्द जो बार बार यूज होते हैं, एक आता है स्वपोषण। तो इसमें पोषण में जो प्रमुख कुछ शब्द यूज होते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है स्वपोषण। पोषण की वह विधि, जैसे कि इसका नाम है स्व, स्व मतलब स्वयं, पोषण मतलब भोजन बनाना। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषण। विषम पोषण मतलब विषम मीन्स जो सम ना है, सो सम नहीं है, और विषम मीन्स जो पोषण विधि जिसमें भोजन के लिए अन्य पादपों या जंतु पर कोई जीव निर्भर करता है उसे विषम पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग हैं जंतुओं और पौधों पर निर्भर करते हैं तो हम विषम पोषी हैं। जैसे ये फ्रॉग दिखा रखा है, फ्रॉग इस पौधे के ऊपर डिपेंडेंट था, ये भी विषम पोषण है। उसके बाद आते हैं परजीवी। परजीवी वो पौधे या जानवर होते हैं जो अन्य जीव के शरीर के अंदर या उसके शरीर पर रहते हैं तथा उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहा जाता है। और परजीवी के साथ साथ परपोषी क्या होते हैं, पादप या जंतु जिसमें एक परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परपोषी कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है जो परजीवी है यहाँ पर वो है अमरबेल। उसके बाद आता है मृत जीवी पोषण। ऐसी पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत व गले सड़े पौधों से प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कीट भक्षी पादप, मतलब कीटों को खाने वाले पौधे, पादप मतलब पौधे, उन्हें कीट भक्षी पादप कह देते हैं। पीचर प्लांट है जैसे, ये घटपर्णी प्लांट जिसको हम कहते हैं। अब कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको कि पोषण क्या है और उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, और पोषण की अनेक विधियाँ हैं जो आपने अभी अभी देखी, स्वपोषी, परपोषी, विषम पोषण, परजीवी, मृत जीवी। सो ये सारी की सारी इसके अंदर विधियाँ हैं अलग अलग। इसके आधार पर आप कुछ प्रश्न दे रखे हैं। डैश एंड डैश स्वपोषण करते हैं, जो पौधे हैं और ग्रीन कलर की जो एल्गी होती है वो स्वपोषी होती है। मशरूम या कवक विषम पोषण का एक उदाहरण है। मृत जीवी भी जो डेड रिमेन्स पर जिंदा रहते हैं। विषम पोषी जीव के कोई दो उदाहरण जंतु हैं, मनुष्य है। निम्नलिखित में से सही कथन चुने। कीट भक्षी पादप अपना पोषण केवल कीटों से करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है, राइट। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज़ वर्कशीट 19 for the class 7th and topic is nutrition plants. Now there are few keywords which are ultimately used in this chapter, and the first one is autotrophic nutrition. As the name suggests, auto means self. Trophic nutrition means the mode of nutrition in which organisms make food themselves from the simple substances is called autotrophic nutrition. Now second is heterotrophic nutrition. It is the mode of nutrition in which organism take food prepared by plants or some other animals are called heterotrophic. So you have to correct it here. It should be written as heterotrophic here. Now third is parasite. Organism, plant or animal that lives in or on the another organism and get nutrient from it. For example, cascata plant, yellow color amarbel in a plant is called parasite. What is the host? Host is the plant or animal from which a parasite gets its food. This plant is called host because amarbel survive or cascata plant survive on this plant. So it is called host and this is called parasite. Saprotrophic nutrition. This is the mode of nutrition in which organisms take in nutrients from the dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. And the sixth one is insectivorous plants. Insectivorous plants are those which eat insects, like pitcher plant in this picture. And you have to remember what is the nutrition, the mode of taking food by the organism and its utilization by the body is called nutrition. And there are the different ways that you have studied about the getting food or nutrition. Now you have to complete this worksheet on the basis of that.
फर्स्ट डैश एंड डैश आर द ऑटोट्रॉप्स. सो प्लांट्स इन द ग्रीन एल्गी आर द ऑटोट्रॉप्स. मशरूम पंगी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, नॉट पैरासाइट, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फंगस. राइट द टू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स आर दोज विच डिपेंड अपॉन देयर फूड टू द अदर प्लांट्स लाइक बफेलो, काउ, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स ओनली. येस. अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट प्लांट. येस. बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स. कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान. थैंक यू सो मच.